उम्र के एक पड़ाव के बाद 60 साल की आयु के बाद गरीबों को, छोटे किसानों को, खेत मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे की दिक्कत न हो, इसके लिए ऐसे समाज के लिए जिसकी ओर कभी कभी परिवार के बच्चे भी नहीं देखते हैं, ये आपका बेटा देखने वाला है। और इसके लिए हमने पेंशन योजना तय की है, हर महीना पेंशन योजना लेकर के आएंगे और जो भी उसको जुड़ना चाहेगा उसको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा, ताकि उसका बुढ़ापा कभी परेशान ना हो। इस देश का एक बेटा दिल्ली में भी तो होना चाहिए ना, जो 60 साल से ऊपर के लोगों की चिंता करे। आपने एक ऐसे बेटे को बिठाया है जो 60 साल से ऊपर के वालों की भी चिंता करता है और 18 से 25 साल वालों की भी विशेष चिंता करता है। वो मध्यम वर्ग की भी चिंता करता है, वो गरीब की भी चिंता करता है, वो गांव की भी चिंता करता है, वो शहर की भी चिंता करता है, वो किसान की भी चिंता करता है, वो मजदूर की भी चिंता करता है, समाज के हर वर्ग की चर्चा करता है, हिंदुस्तान के हर कोने की चिंता करता है, हिंदुस्तान के भविष्य की चिंता करता है, हिंदुस्तान के वर्तमान की भी चिंता करता है। ऐसे बेटे को आपके आशीर्वाद की जरूरत है भाइयों, और इसलिए मैं आपके बीच आया। अटल जी आए आजादी के इतने सालों के बाद, उन्होंने कहा कि मेरे जंगलों को अपने जान से भी जो प्यारा समझता है, जो आदिवासी हमारी महान परंपराओं को संभालता है, उसके विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों का अलग मंत्रालय बनाया, और ये हमारे हमारे साथी बैठे हैं, उनको मंत्री बनाया था अटल जी ने। पहला मध्य प्रदेश से आदिवासियों को उठा करके ये काम के लिए लगाया था भाइयों, ये काम अटल जी ने किया था। भाइयों बहनों, उन्हीं की प्रेरणा से हमारा प्रयास है कि जनजातीय क्षेत्रों में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इसके संसाधन बने। इसलिए सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए देश भर में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। वनधन केंद्रों के माध्यम से वनोपज में वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर हमारा बल है। बीते 5 वर्ष में एमएसपी के दायरे में आने वाली वन उपज 10 से बढ़कर 50 हो गई है। साथियों, मैं फिर दोहराऊंगा कि आदिवासी जमीन हो, जंगल हो, आदिवासियों का हक हो, जब तक मोदी बैठा है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी आदिवासी की हक को नहीं छीना जाएगा, उसकी जमीन को नहीं छीना जाएगा। और ये झूठ बोलने वालों को, आपको भ्रमित करने वालों को सजा देने का ये वक्त है, ताकि आपके भविष्य को अधर में डालने का ये पाप करते हैं। अगर उनको आदिवासियों की परवाह रही होती तो अटल जी आने तक आदिवासियों की चिंता के लिए कोई मंत्रालय नहीं बनाने वालों को ये कहने का अधिकार नहीं है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।